तो डरने का नहीं ये सब क्या हो रहा है यही तो आज आपको सिखाना है कि ये जादू क्या है ये जादू ना क्या है ये क्या है ये क्या है ये जादू ना क्या है ये क्या है ये क्या है तो जनाब असल जो हकीकत है वो ये है <laughs> सारी हकीकत ये है और सारी हकीकत ये है ये देखें जी ये सारा कमाल इस ग्रीन पर्दे का है और इस ग्रीन पर्दे को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आज हम यही बात करने जा रहे हैं बिफोर एनी फर्दर आई डी यू लेट्स डाई द वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सस्ता सुंदर इम्प्रेसिव बैकग्राउंड आपने कैसे बनाना है आप न्यू यूट्यूबर हो आपको नहीं पता कि आपने बैकग्राउंड कैसे बनानी है समटाइम्स बड़ी सी बैकग्राउंड है जिससे कि आपकी वीडियो इम्प्रेसिव नहीं होती आज मैं आपको बताने जा रही हूँ से सस्ता काम कैसे आप कर सकते हो बेस्ट बजट बैकग्राउंड स्क्रीन अगर आपका इतना बजट नहीं है आप ज्यादा एक्सपेंसिव कुछ चीजें नहीं खरीद सकते लाइटिंग कैसे बनानी है कर्टन कैसे लगाना है और वीडियो पे उसकी एडिटिंग कैसे करनी है इस वीडियो को आखिर तक देखिए आज हम ये सब कुछ इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले दोस्तों ये स्क्रीन बहुत हेल्पफुल है आपके वीडियोस इंप्रूवमेंट करने के लिए अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी लाहौर मोटरवे ए, रेप वॉज हैप और फिर मैंने उसकी बैकग्राउंड जो लगाई लोगों ने बहुत पसंद की सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रीन स्क्रीन है क्या मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीन स्क्रीन क्या है दोस्तों ये रहा मेरा पर्दा ग्रीन स्क्रीन का और मैं इसे कभी कहीं पे हैंग करती थी कभी कहीं पे हैंग करती थी और फिर हैंग करने के बाद इसमें बहुत सारी ऐसे सल्यूटें आ जाती थी और फिर लाइटिंग मेरे पास सही नहीं थी कहीं पे ये पोर्शन डार्क हो जाता था कहीं पे ये पोर्शन लाइट हो जाता था अनबैलेंस टाइप की मेरे पास लाइटिंग थी लेकिन फिर मैं तंग आ गई इस स्क्रीन से तो मैंने सोचा कि एक घर की दीवार जो है उसे शहीद करना ही पड़ेगा तो मैंने क्या किया कि ये वाली दीवार जो थी डाइनिंग टेबल के पीछे वाली मैंने इसे शहीद कर दिया और मैंने पूरी दीवार को ग्रीन कलर में चेंज कर दिया दोस्तों बिजाइ के कि आप ये ग्रीन कर्टन ख़रीदो जितने में आप कर्टन ख़रीदोगे और उसके स्टिचेस के पैसे दोगे आप एक ग्रीन कलर का पेंट ख़रीद लो और घर में कोई भी एक दीवार को आप शहीद करने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ग्रीन स्क्रीन सिर्फ एक पर्दा है और यह मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है अक्सर देखा गया है कि गानों के पीछे ग्रीन स्क्रीन ही यूज़ की जाती है स्टंट कोई भी करना होता है उसके पीछे भी ग्रीन स्क्रीन ही यूज़ कर ली जाती है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके फायदे क्या हैं एक तो फ़ायदा ये कि अगर आप कर्टन अपने बैग में रख लो आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो कहीं पर भी होटल में हो या किसी के भी घर पे हो और आपको अपना वीडियो बनाना है तो आपका काम रुकेगा नहीं आप ये बैकग्राउंड पीछे लगा के ग्रीन स्क्रीन की अपना वीडियो कंटिन्यूसली बना सकते हो मतलब ये कि आपका स्टूडियो जहां पे आप जाओगे आपके बैग में होगा तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका अपना स्टूडियो आपकी अपनी बैकग्राउंड दूसरी जो चीज जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है वो है लाइटिंग लाइटिंग में आप बहुत ख्याल रखें क्यूं? कि अगर आपके बैकग्राउंड पे शेड्स आ गए या आपका शेडो आ रहा है या आपका कुछ भी ब्लैक कलर या डार्क कोई स्पॉट आ रहा है तो उसको एडिटिंग में रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वो भी मैं आपको एडिटिंग में दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे करते हैं सो लाइटिंग इज़ द मेन कंसर्न विद द ग्रीन स्क्रीन दोस्तों जब मैं आपको सेटअप ही दिखा रही हूँ तो मैं आपको पूरा दिखा ही देती हूँ ये रही मेरी बैकग्राउंड स्क्रीन जो मैंने वॉल को पेंट किया हुआ है पूरा ही मैंने इसे पेंट कर लिया था और इसके साथ साथ मैंने ऊपर लाइट्स भी लगवा ली हैं ये देखें ये सीधे उस वॉल पे लाइट्स जाती हैं इसके बाद फेस के लिए जो मैंने लाइट ली हुई है वो ये वाली है ये लाइट मेरे फेस पे आती है और आज की वीडियो भी यही सेटअप से बन रही है दूसरा फायदा ये है कि आप बैकग्राउंड कुछ भी रखना चाह रहे हो जो भी आप रखना चाह रहे हो जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो जैसा भी रखना चाहो बैकग्राउंड आप रख सकते हो <laughs> मतलब आपके अपने ऊपर है आप जो भी डिसाइड करना चाह रहे हो आप अपनी बैकग्राउंड अपनी सेलेक्शन की रख सकते हो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन का ये फ़ायदा भी है कि अगर आउटडोर आपने ग्रीन स्क्रीन लगा कि अपनी वीडियो बनानी है तो उसमें लाइटिंग का कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वो नेचुरल लाइट में हर तरफ से लाइट पड़ रही होती है आपको सिर्फ इनडोर की लाइट का ख्याल रखना पड़ता है इंडोर लाइट्स के लिए आप बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक्सपेंसिव लाइट्स हों तो तभी आपके आउटकम अच्छा आएगा आप ट्यूब लाइट भी यूज़ कर सकते हो अब बात करते हैं कि ग्रीन स्क्रीन को एडिट कैसे करना है मैं उसका एडिट करती हूँ फ़ाइनल कट प्रो पे मोबाइल पे कैसे करते हैं मुझे नहीं आता मैंने कभी नहीं किया मैं आपको फ़ाइनल कट प्रो का प्रोसेस बता सकती हूँ चलिए देखते हैं कि ग्रीन स्क्रीन को एडिट कैसे करना है और दूसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है बहुत ग्रीन स्क्रीन के करीब आपने नहीं जाना ये देखें जितना आप करीब जाएंगे आपका शेडो आ जाएगा और फिर उस शेडो को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ये देखें जैसे भी आप बात करेंगे देखें आपके शेड्स जो हैं पीछे आ रहे हैं तो ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन के पास आपने नहीं खड़े होना है थोड़ा उसे फ़ासला रखना है दोस्तों मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि ग्रीन स्क्रीन को फाइनल कट प्रो पे एडिट कैसे करना है सबसे पहले यहाँ तो आप एक क्लिप अपलोड कर लें ये वाला क्लिप मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ इसको मैंने अपने टाइम लैब पे डाउनलोड कर लिया है ये वाला क्लिप यहाँ से अब आप देखें ये ट्रांजिशंस हैं ट्रांजिशन में नहीं इफ़ेक्ट्स में आप जाएँ इफ़ेक्ट्स में आपको ढूँढना है कीइंग कीइंग में ये जो कीयर है आप इसे ले लें ड्रैग कर लें आप इसे ड्रैग करके अपने क्लिप के ऊपर ड्रॉप कर दें ये देखें अब आपके पीछे आ गई ब्लैक स्क्रीन अब ये अगर आप नोट करें कि इसके राइट हैंड साइड में ये देखें ये वाइट दिख रहा है तो आपने इसको कवर करना है ट्रांसफॉर्म करें और स्क्रीन को थोड़ा सा खींच लें ये ओके okay. अब ये जो आपको स्क्रीन में वाइट वाइट बैकग्राउंड दिख रही है ये देखें ये स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर दें ताकि आपको दिखे कि वाइट बैकग्राउंड कहाँ पे दिख रही थी अब आप इसको जब ड्रैग करेंगे इस स्क्वायर को तो वो देखें आपकी जो वाइट स्क्रीन दिख रही थी वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी अब इसे अगर आप हंड्रेड परसेंट कर देंगे तो वाइट स्क्रीन आपकी बिल्कुल चली गई यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है वाइट स्क्रीन यहाँ भी एक आप बॉक्स को बना दें ताकि जस्ट इन केस कि आपके जो सारे वाइट बैकग्राउंड स्क्रीन है वो सब छुप जाएंगे अब ठीक हो गया देखा अब आपने इसको लो किया है तो आपको ये जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइट दिख रहा है फिर हम इसको क्लिक करते हैं सैम्पल कलर में और इसको हम ऐसे स्क्वेयर में कर देते हैं ये देखें ये वाइट कॉर्नर भी यहाँ से चला गया गायब हो गया एकदम से ओके आई एम हैप्पी विद दिस पार्ट अब इसके आगे एक दो चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है ये देखें मेरे फेस के इर्द गिर्द कुछ लाइनें सी बनी हुई हैं वाइट कलर की मैं आपको अभी दिखाती हूँ यह देखें मेरे बालों के अराउंड अब ये जो चीज़ है इसको जब आप डाउन करेंगे तो ये डार्क हो जाती हैं ये देखें तो यू रियलाइज़ कि मेरे बालों के साइड पे लाइट जो है कम हो जाती है बस जहाँ पे आपको इसको डार्क करना है आप वहाँ पे इसे छोड़ दें और इसे तो हम हंड्रेड परसेंट पे ही रहने देंगे अब अब नीचे आ जाते हैं नीचे है यहाँ पे श्रिंक एक्सपेंड श्रिंक एक्सपेंड है जो आपकी बॉडी की साइड में जो लाइन है वो एजिस को डार्क करने के लिए ये देखे एजिस लाइन जो है हाईलाइट हो गई यहाँ पे तो इसको आपने डार्क करके रखना है मीन्स यहाँ पे ठीक है ना आपको ज़्यादा डार्क करना है ना उसको ज़्यादा लाइट रखना है ताकि बैकग्राउंड स्क्रीन में वो मर्ज हो जाए सोफ़न क्या है कि सोफ़न जो है कभी शार्प हो जाती है एकदम से पिक्चर उसको अगर आपने सोफ़न रखना है तो आप उसको सोफन रख सकते हो लेकिन मेक श्योर कि वो बैकग्राउंड स्क्रीन के साथ मर्ज हो जाए हम इसको थोड़ा सा सोफन रख देंगे ताकि रियल लगे पिक्चर इरोड आप उसका यूज़ कर सकते हैं जब आपके कपड़े ग्रे uh, कलर में हो या पिंक कलर में हो जहाँ पे आपको कुछ दाग वगैरह दिख रहे हो आप ये यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्क्रीन कितनी मिक्स एंड मैच हो गई है इफ़ यू आर हैप्पी देन यू कैन जस्ट मूव ऑन ये जो सेंटर वाला आइकन है यहाँ पे इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लैक एंड वाइट दोनों दिख जाएंगे इसमें आप चेक कर सकते हो कि बैकग्राउंड ब्लैक है और आप वाइट हो समटाइम्स ये होता है कि बैकग्राउंड भी वाइट होती है और आप भी वाइट ही दिख रहे होते हो तो उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है और इस आइकन को दबा के आप अपनी पिक्चर को देख सकते हैं इफ़ यू आर हैप्पी विद इट जस्ट कैरी ऑन विद योर प्रोजेक्ट अब हम इसकी बैकग्राउंड पिक्चर को डाउनलोड करते हैं ये बैकग्राउंड पिक्चर डाउनलोड हो गई है यहाँ पे लेकिन आप अगर देखें स्क्रीन पे इसकी साइडों में गैप है ये वाला गैप है और एक ये वाला गैप है इसको पिक्चर को आप ड्रैग करके इसको यहां से ट्रांसफॉर्म से आप ड्रैग करके पिक्चर को लार्ज कर सकते हो ऐसे और दूसरा ट्रिक ये है कि आपके राइट हैंड साइड में जो इंफॉर्मेशन है यहां ये फिट लिखा हुआ है फिट को आप क्लिक करें इसको आप फिल कर दें तो आपकी पिक्चर ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी और खाली पिक्चर ही नहीं बैकग्राउंड में आप कोई वीडियो भी डाल सकते हो कोई समंदर की कोई बीच की वीडियो आप लगा सकते हो मूविंग पीपल भी आप लगा सकते हो कोई ऐसी बात नहीं है फिर इसमें यह है कि जो आपकी अपनी वीडियो है आप उसको रिपोजिशन कर सकते हो आपने उसको कहाँ पे लगाना है राइट हैंड साइड में लगाना है लेफ़्ट हैंड साइड पे लगाना है उसका साइज भी आप छोटा कर सकते हो इस तरह से इसका साइज़ छोटा करके आप इसे नीचे कर दें इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड के वो कैसी है और आप किस साइज़ में अपने बैकग्राउंड के साथ सेट हो गए फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कलर सेक्शन के ऊपर आप अपनी पिक्चर के कलर्स को बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो लाइट भी उसकी तेज़ कर सकते हो लाइट उसकी आप कम भी कर सकते हो तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको आपने यहाँ से करना है अभी इस वक्त आप अपनी पिक्चर के ऊपर काम कर रहे हो आपकी बैकग्राउंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सेटोरेशन को आप हाई कर सकते हो कलर्स को आप हाई कर सकते हो मतलब जब भी आप कोई वीडियो बनाओ इन चीज़ों के साथ आप खेलते रहो एक्सपेरिमेंट करते रहो जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आप लर्न करोगे ये यह देखें यहाँ पे कलर्स का आइकन आ गया फिर बात वही आ जाती है डिपेंड्स ऑन योर वीडियो कि आपका वीडियो क्या है कहाँ बनाई बनाइए आपने बैकग्राउंड आप कैसा सेलेक्ट कर रहे हो फिर उसमें ये सब आप चेंज कर सकते हो अब ये देखो आप बैकग्राउंड का मैंने कलर चेंज किया है लाइट मैंने चेंज की है तो ये देखें मैंने उसको अब डार्क कर दिया लुकिंग गुड है ना अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड भी ऐसे और बस यही मैजिक था जो मैंने आज आपको सिखाना था